जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्र तक का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्र तक का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। ए यूपी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं है तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। अरे हम अपना अधिकार भीख मांगते। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैं लगातार ऐसा भी नहीं मैं फरार चल रहा हूँ लापता चल रहा हूँ, यदि मैं सबके समक्ष सबके सामने बैठा हूँ तो पुलिस प्रशासन का भारी तबका मेरे घर पे मेरे परिजनों को क्यों परेशान कर रहा है। मेरे पिताजी खेतों में काम कर रहे हैं खेतों में, तो उनके घर खेतों तक पुलिस पहुंच जा रही है। साफ साफ दुर्टुक में कह रहे हैं कि आपकी वजह से आपके लड़कों को आपको जेल में भेज दिया, कहीं ऐसा ना हो कि आप और आपके लड़कों को जेल भेज दिया जाए। सब इस प्रकार की प्रताड़ना क्या है? हम लोग तांत्रिक देश में रह रहे हैं, आजाद भारत के स्वतंत्र भारत, हमारी खुद की कुछ अभिव्यक्तियाँ हैं, स्वतंत्रता है, हमारे पे उस मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये हमारे बर्दाश्त नहीं होगा। यदि इलाहाबाद जो है इतना तानाशाह हो गया कि सोचिए कि पिछले 1.5 वर्षों में मेरे ऊपर तकरीबन 20 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इससे पहले 5 टोटल 25 मुकदमे मेरे ऊपर खुद इलाहाबाद में प्रशासन लिखा है। आप सोचिए किस कदर छात्रों की आवाज का दमन यहाँ चल रहा है, किस प्रकार पर आज से 4 महीने पहले मेरे घर मध्य प्रदेश यहाँ करल थाने की पुलिस जाती है मेरे घर पहुँचती है, आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, कल किसी और घर पर जाएगी पुलिस। पर ये दमन का बहुत खेल हुआ, बहुत हो चुका अन्याय, अब हम लोग इंकलाब करेंगे, अब हम रुकने वाले नहीं है, अब हम सब अब एकदम पीट सीट बनाने के लिए तैयार हैं। आपकी मांगों के बारे में विश्व प्रशासन ने नकार दिया है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए बीसी ने पहले भी नकारा, चाहे आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन कदम ने मना कर दिया था, पर आखिर में क्या हुआ, जीत सत्य की, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्य की लड़ाई है, लड़ाई न्याय की लड़ाई है, गरीबों के और जो मजलूम लोग हैं उनके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने के प्रयोग उसको असफल करने की लड़ाई है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है, लड़ाई हम जीत के रहेंगे। उसके बाद हम केवल कुलपति हो जाएंगे।